रीवा जिले के मऊगंज थाना पुलिस ने आज युवती की अंधी हत्या का खुलासा किया है। युवती का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही निकला। बीते एक सप्ताह पूर्व नई गढ़ी थाना क्षेत्र से काजल जायसवाल की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में घर से 1 किलोमीटर दूर मऊगंज थाना क्षेत्र स्थित एक खेत से बरामद हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से पुलिस ने एक बैग में रखे नगद रुपए के साथ ही दुपट्टे का फंदा और प्रेमी के नाम लिखा एक लव लेटर भी बरामद किया था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। घटना नई गढ़ी थाना क्षेत्र की है, जहां पर रहने वाली काजल जायसवाल नाम की युवती बीते 20 तारीख की शाम अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में परिजनों ने युवती के गुमशुदगी की शिकायत नई गढ़ी पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस युवती की तलाश में जुट गई। दूसरे दिन देर शाम एक युवती का शव मऊगंज थाना क्षेत्र के फूल गांव स्थित एक खेत से बरामद हुआ। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने गुमशुदा युवती के परिजनों को बुलाया तो उसकी पहचान काजल जायसवाल के रूप में हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया या मामले की जांच शुरू कर दी। देर शाम होने के कारण पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया और दूसरे दिन मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस और एफएस की टीम ने घटनास्थल से एक बैग और उसमें रखे नगद रुपए व पास ही पड़े दुपट्टे से बना एक फंदा भी पुलिस ने बरामद किया। इसके अलावा पुलिस को घटनास्थल से प्रेमी को लिखा गया एक पन्ने का लव लेटर भी मिला है, जिसमें बचपन के प्यार की दुहाई देते हुए उसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने की बातें लिखी थी। युवती के शव के पास मिले लव लेटर के आधार पर पुलिस ने कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया और घटना के बारे में पूछताछ शुरू की, जिसमें युवती के प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ पर खुलासा हुआ कि उसने ही दुपट्टे से गला घोंटकर युवती की हत्या की है। मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि युवती अपने प्रेमी पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर उसके प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो 20 मई की शाम युवती अपने प्रेमी से शादी करने के लिए घर से निकली थी, जिसके लिए वह अपने जरूरी दस्तावेज और पैसे भी साथ में लेकर निकली थी, तथा युवती के प्रेमी ने उसकी हत्या करके युवती के पास में रखे पैसे भी छीन लिए थे। दिनांक 20 तारीख को प्रमिला साकेत थाना नई गढ़ी पे पहुंच के उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनकी बच्ची काजल जायसवाल उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी खटकरी अपने घर से गायब है, और जिसकी सूचना पाकर पुलिस के द्वारा गुम इंसान कायम करते हुए अग्रिम विवेचना की गई। और दिनांक 21 तारीख को लगभग शाम के समय पुलिस को सूचना मिली कि एक बॉडी वहीं पास में छुरिया गांव में तालाब के किनारे मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस के द्वारा जब तस्दीक की गई तो वो बॉडी काजल जायसवाल की मिली, और इसके बाद में सुबह सुबह दूसरे दिन 22 तारीख को एफएसएल टीम के द्वारा उसका निरीक्षण करा के एक टीम बना के पीएम कराया गया, और मामले में स्ट्रैंगुलेशन प्रतीत होने पे 302-201 में एफआईआर पंजीबद्ध करके अग्नि विवेचना की गई। विवेचना में प्रारंभिक रूप में एक लव लेटर मिला। लव लेटर में किसी का नाम उल्लेखित नहीं था, लेकिन उसमें दो नाम उल्लेखित थे, और इसके बाद में पुलिस ने उक्त लेटर के आधार पर एक संदेही को उठाया। संदेही से पूछताछ की गई, लेकिन संदेही जो बच्ची थी उससे बातचीत जरूर करता था, लेकिन उसके साथ में ऐसी कोई घटना ना होना उसने बताया। इसके बाद में थाना नई गढ़ी के द्वारा साइबर टीम से भी संपर्क किया गया, उनसे कई सारी जानकारी ली गई। लगातार काम करते हुए एक दो संदेहियों को उठाते हुए पूछताछ करते रहे, और बाद में एक लड़का जो अमित सिंह है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि वो लड़की के लगातार संपर्क में था। साइबर से भी कन्फर्म हुआ कि वो लड़की से बातचीत कर रहा था, और जब उसे पुलिस के द्वारा लिया गया, अभिरक्षा में लिया गया और पूछताछ किया गया, तो उसके द्वारा यह स्वीकारा गया कि उसने काजल जायसवाल की हत्या की है। और जब लड़की अपने घर से गई थी उस समय उसने अपने बैग में कपड़ों के साथ में एक पॉलीथीन में अपने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड बैंक पासबुक के अलावा लगभग 40,000 रुपये भी रखे थे, और लड़के से पूछताछ के दौरान में उसने बताया कि लगभग 39,000 रुपये क्या है उसके पास थे, जिसमें से 19,000 रुपये उसने कियोस्क सेंटर में जमा, मतलब अपने सास के अकाउंट में जमा करने के लिए दिए थे, वो पैसे
जब्त कर लिए हैं पुलिस के द्वारा। इसके अलावा लगभग 8,000 रुपये उसने वकील और एक छोटू को दे दिए हैं और बाकी पैसे का उसने पंखा, पॉलीथीन और कुछ कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया है। जी, कितने आरोपी है? एक मुख्य रूप से आरोपी है इसमें। आरोपी? जी,